स्वागत है गाइज आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूँ काज सिंह और अभी हम लोग हैं वर्ल्ड लीग बैटल में। तो गाइज ये जो बंदा आप देख रहे हो ये मेरे को वर्ल्ड लीग में मैचअप नहीं हुआ। मैंने इसके बहुत सारे वीडियोस देखे थे जिसमें ये बहुत ही अच्छी तरीके से पोकेमॉन स्विच करता है और ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, तो मैंने इसे रिक्वेस्ट किया कि भाई एक बार मेरे से बैटल कर लो। और ये बंदा इतना ज़्यादा जेन्युइन है, इतना ज़्यादा अच्छा बंदा है, सीधा आ गया मेरे को बताया कि हमें इस वक्त मैं आ रहा हूँ तो आ जाओ बैटल कर लेते। और बैटल किया भाई, कितना अच्छा बैटल था मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसका सामने म्यूटू था और मैं अपना ग्राउडन लेके आता हूँ ताकि नॉक ऑफ और उलोविस काम ना करे। अब मैं यहाँ पर एक बार रॉक टूम लगा था, मेरे को लगा तेज़ होगा, पर गेस क्या, ये मेरे ग्राउडन से ज़्यादा स्लो था। तो मैं यहाँ पर जीमू वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं एक बार और रॉक टूम करता हूँ। मेरे को लग रहा है हो वो आएगा तो इससे उसका स्पीड थोड़ा कम होगा। ठीक है, उसका म्यूटू मेरे को लग रहा है ऑफ सूट है इसीलिए थोड़ा स्लो है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से पोकेमॉन बदल कर टरांटोर पर लेके आता हूँ और स्लैथ्रोस बिछाते क्योंकि हो ओ है जो चार गुना ज़्यादा कमज़ोर है अगेंस्ट स्लैथ्रोस और ये मेरे लिए थोड़ी सी अच्छी बात है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर स्लैथ्रोस बिछा भी दिया, उसने पोकेमॉन बदल भी दिया और ये मेरे लिए तो अच्छा रहेगा। सामने उसका डियल्गा है जिसके पास प्रेसर एबिलिटी है, तो मेरा डबल जी मूव यहाँ पर बेकार होगा। तो मैं अपनी अपने टरांटोर को सेव करता हूँ, जल्दी से गेंगार लेके आता हूँ। गेंगार इसीलिए लेके आता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है ये डियल्गा जो है ये थोड़ा स्टेलर टाइप का है, मतलब ड्रैगन टेल मेटलस ऐसा शायद होगा। तो मैं यहाँ पर नॉक ऑफ और ओलेवेज डालता हूँ ताकि ये मर जाए, पर इससे पहले मैं मारता जीमू पर उसका वेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर लेके आ चुका अपने मोबाइल को। जीमू वेस्ट हो गया, मैं फिर से गेंगार को लेके आ जाता हूँ ताकि अब नॉक ऑफ और ओलेवेज लगाया जाए। होप इसके पास ड्रैगन टेल या फिर ऐसे कोई मूव्स ना हो जिससे वन हिट किल हो जाए मेरे गेंगार, तो मैं आराम से सेफ रह के खेलूंगा। ठीक है, एक और अच्छी बात मैं आपको बता दूंगा, इस बंदा इतना ज़्यादा जेन्युइन है, मैंने बताया कि भाई आपके ग्राउंड का फिशर है तो प्लीज़ फिशर मत यूज़ करना। मैं एक जल्दी से क्विक किल बैटल जाता और बंदा मान गया। इस पूरे बैटल में इसके ग्राउडन ने फिशर यूज़ नहीं किया, अगर ये यूज़ करता तो घंटा मैं नहीं जीतने वाला था। बंदा पूरी तरीके से फेयर खेला और बहुत ही अच्छा बैटल था, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब अच्छा लगा यार, जनरली टोको में बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स होते हैं, ऐसे टोको आइलैंड बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो हमेशा मदद करते हैं या फिर पॉजिटिव रहते हैं आपके तरफ। ठीक है, अभी हमने ग्राउडन, ठीक है हमारा ग्राउडन वेस्ट हो चुका है, कोई नहीं मर चुका है। तो मैं जल्दी से डियल्गा को मारने के लिए अपना गेंगार लेके आता हूँ। अब एक बार नॉक ऑफ और ओलेवेज लगाना चाहता था पर ड्रैगन टेल पड़ा है और मेरा मोबाइल आ चुका है सामने। तो गाइज यहाँ पर मैं एक बार स्वॉर्ड डांस कर लेता हूँ क्योंकि लग रहा है मेरे को डियल्गा भी रुकेगा और ये रुका भी है और ट्रिक रूम यूज़ किया गया है। ठीक है, तो मैं जल्दी से रॉक टूम लगाता हूँ ताकि अगर हो ओ आए तो उसका खेल यहाँ पर ख़त्म हो जाए। एक तो स्लैथ्रोक्स भी पीछे पड़े हैं और मेरे को लग ही रहा था कि हो आएगा और ये आया भी और ये गया भी। अरे यार प्लेयर मेरे को यहाँ पर रॉक टूम लगाना चाहिए, मेरे को लगा डियल्गा रुकेगा पर ये फाइव टाइम मूव ये रॉक टूम एक और मिस। पता नहीं यार मेरे ही मिस हो रहे हैं आजकल रॉक टूम बहुत सारे। तो मैं जल्दी से स्वॉम्पर लेके आता हूँ ताकि अगर जी मूव वगैरह आए तो यहाँ पर वेस्ट हो जाए। अच्छा जी मूव तो शायद वेस्ट हो भी चुका है, डिफॉक से क्लियर किया गया है जल्दी से फील्ड को। तो मैं यहाँ पर इन्फेस्टेशन लगाता हूँ, मैं बस यही चाहता हूँ कि यह ट्रैप में आ जाए। अगर ये ट्रैप में आ गया तो आराम से खेल खत्म हो जाएगा, पर यहाँ पर जिलेटिना आ चुका है। अब भाई ये खतरनाक होता है, एक तो एडेप्टेबिलिटी एबिलिटी होती है इसके पास, ऊपर से घोष टाइप पोकेमॉन, तो मेरे पास लोथर टरानटोर है और मैं यहाँ पर बस स्लैथ्रोक्स बिछाऊंगा। मैं जीमू कुछ नहीं लगाने वाला जब तक डियल्गा है, मैं जीमू पे हाथ नहीं डालूंगा अपने टरानटोर की, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है और मैं नहीं चाहता वेस्ट हो जाए। और ऐसे बंदों के गेंस्ट डबल जीमू भी है जो मेरे को बचा सकता है। भाई इस बंदे का टीम जो है और भी ज़्यादा जहर है, इसके पास गार्चो मेविगन 2 है, इसके पास एक पालकिया भी है और कॉम्बैट पिकाचू भी है, पर इस बंदे ने अपने इस टीम को चूज़ किया हमारे गेंस्ट। अगर कॉम्बैट पिकाचू और गार्चो पालकिया होते तो ज़्यादा कॉम्पिटेटिव और होता, पर मेरे को पता नहीं क्यों ये टीम यूज़ किया गया, पर ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और लकीली मैंने जी मूव जब लगाया उसका मोबाइल वहाँ पर आया और ये मोबाइल ख़त्म हो चुका है, पर अभी भी इसका ग्राउंड डाउन है जो मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो मैं जल्दी से स्वॉम्पर लेके आता हूँ। एक चीज़ मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, जिसके पास फिशर है इस ग्राउंड डाउन पर बंदे ने यूज़ नहीं किया क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट किया था भाई नो फिशर और इसके बदौलत इन्होंने यूज़ नहीं किया। अच्छा तो मेरे पास भी फिशर था स्नोलेक्स पर घंटा काम करेगा नहीं, लेवल देख रहे हो 100 है भाई का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इन्फेस्टेशन लगाएं। ठीक है, और कोई मतलब और कोई तरीका भी नहीं है, यहाँ पर ड्रैगन टेल मेरे लग रहा है तो पड़ेगा कैसे भी। तो जल्दी से मैं गेंगार लेके आ चुका, अगर मैं लेके नहीं आया ऑटोमेटिकली गेंगार आ चुका है। बस नॉक ऑफ प्रोटेक्ट यूज़ किया गया, एक तो प्रेशर एबिलिटी ऊपर से प्रोटेक्ट भी, तो भाई जीमू वेस्ट होना पक्का। एक और ड्रैगन टेल हम पे पड़ा और ये हमारा पोकेमॉन यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर रॉक टूम लगाता हूँ, मेरे को लग रहा है क्यों वो आएगा, अगर वो आता है तो एक हिट काफ़ी रहेगा क्योंकि स्लैथ्रोक्स भी पीछे पड़े हैं और नेक्स्ट टर्न से थोड़ा ही डैमेज बचा होगा और ये थोड़ा सा बचा था और यहाँ पर एक गया। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था मेरे लिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरा मोबाइल आपसे मारे, मैं लंबा टिकाना चाहता था मोबाइल को। अब मैं जल्दी से गेंगार लेके आता हूँ, मेरे को लग रहा है डियल्गा आया पर नहीं, सामने आ चुका है ग्राउंड डाउन। मैं चाहता हूँ यहाँ पर जीमूव लगा सकता हूँ पर तगड़ा पोकेमॉन है भाई, 92 के से ज़्यादा इसका पावर है ग्राउंड डाउन का और मैं नहीं चाहता मेरा मरे। 92 या फिर 100 के आसपास होगा ये, ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग है, 7 स्टार भी है, कुछ भी हो सकता है भाई, तो मैं रिक्स नहीं लूँगा।
इन्फेस्टेशन हमने लगाया और सामने आ चुका है म्यूटू। अब मैं लगाता हूँ जी मूव ताकि ये मारा जाए। अब मैं यहाँ पर म्यूट अगर गेंग अपने मोबाइल को लेके आता तो नॉकआउट भी पड़ सकता और मैं ये रिक्स लेना नहीं चाहता। देखो नॉकआउट पड़ा भी। अब मैं जल्दी से लगाता हूँ फिशर स्लैश, होप मर जाए क्योंकि मेरा स्वॉर्म ज़्यादा तेज़ है। ऑफ सूट म्यूटू रखा गया है सिर्फ नॉक ऑफ विलोवेस या फिर टॉक्सिक के लिए, ये थोड़ा अलग है। ऊपर से ट्रिक रूम भी है तो स्पीड का, अगर स्पीड नहीं है तो स्पीड यहाँ पर हो जाता है ट्रिक रूम से। किसी को नहीं पता ट्रिक रूम क्या करता है तो बताता हूँ गाइस। चार टर्न्स के लिए जो सबसे स्लो पोकेमोन्स होते हैं वो सबसे फर्स्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं वो सारे के सारे पोकेमोन्स, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एक नॉक ऑफ हमने लगाया जिरेटिना पर क्योंकि गेंगर यहाँ पर ऑब्वियसली बेकार था। मैंने रखा था उसके कॉम्बैट पी का चुगले जो था नहीं, तो यहाँ पर अदर देन जिरेटिना का नॉक ऑफ और डियाल्गा का नॉक ऑफ और किसी काम का था भी नहीं, तो एटलीस्ट अच्छा परफॉर्म किया है गेंगर ने। सामने फिर से आ चुका है ग्राउंड और स्लैथरॉक्स से फिर से डैमेज पड़ा है, इसीलिए मैंने स्लैथरॉक्स बिछा दी थी। मेरे को पता था ये बंदा बहुत ज़्यादा स्विच करेगा और इसमें बहुत अच्छा है, तो मैंने जानबूझकर स्लैथरॉक्स बिछाया ताकि थोड़ा सा ये कम हो जाए, मतलब स्विचिंग थोड़ा कम हो जाए। अगर करता भी ये बार बार तो उसको डैमेज पड़ता रहेगा और ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। अब मैं यहाँ पर एक फिशर स्लैश लगाता हूँ, मेरे को लग रहा है कि ग्राउडन अटैक करेगा नहीं अभी, ठीक है यहाँ पर किया अभी। अब रेस्ट लगाता हूँ क्योंकि हम थोड़े तेज़ हैं, तो ये रेस्ट। अब मारने की ज़रूरत है नहीं, वो खुद मर जाएगा क्योंकि इन्फेस्टेशन से ट्रैप में था और ग्राउडन जैसे तैसे ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा खतरनाक था भाई वो। अब हम अपने मोबाइल को लेके आ चुके हैं, अब हमारे अगेंस्ट में जिरेटिना। अब एक प्लेयर अब काफ़ी होना चाहिए शॉर्ट डांस के बाद। अरे यार इसके पास ये रिकवर वाला मूव भी है, ये आर टू मूव है इसका, बहुत ही खतरनाक, ऊपर से डिफेंस भी तगड़ा आप देख सकते हो, ऊपर से अडेप्टिबिलिटी एबिलिटी भी है। तो एक और प्लेयर ऑफ और एक गया। अब यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ, अटैक बूस्ट हो चुका है हमारा। अब बस सामने है डियाल्गा, एक ब्रिक पे काफ़ी होना चाहिए ख़त्म करने के लिए, तो लगाता हूँ भाई। बहुत ही खतरनाक डिफेंस है इसका, बहुत अच्छा, मेरे को डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा डियाल्गा ये वाला। मेरे को स्टील वाला और वाई वाला बहुत ज़्यादा पसंद है, एक्स वाला मेरे को घंटा नहीं बांधता, मेरे को अच्छा नहीं लगता वो। मेरे को एक्स ठीक है, वाई और जेड यही दो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बेहतर मेरे को जेड लगता है। मतलब बहुत ही अच्छा लेविटेड एबिलिटी जो है बहुत अच्छा होता है। और फ्लिंच ले गया मेरे मोबाइल को। अब मैं ट्रानाटोर लेके आता हूँ, बस यही मैं यहाँ पर ड्रैगन डांस करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उसका प्रोटेक्ट मेरे जी मूव को वेस्ट करे, तो एक ड्रैगन डांस और इसने प्रोटेक्ट यूज़ नहीं किया, कहीं स्टील स्लैम ठीक आ गया, मेरा खेल खत्म। कोई नहीं, अभी भी हमारे पास बहुत ही तगड़ा पोकेमॉन सलगैली हो। जब शुरुआत से अगर लेके आते तो कंपटीशन अच्छा रहता नहीं क्योंकि रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। अदर देन उसके म्यूटू और ग्राउडन के शायद ही कोई रोक पाता, और ये गया भी। अब हमारे अगेंस्ट में है यूवी डार्क वार। भाई बंदे का टीम देखो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सूट फॉलो किया गया यहाँ पर। मतलब फायर भी डाल दिया है, डार्क भी डाल दिया है, गोस्ट भी डाल दिया है, मनपसंद के पोकेमॉन डाल दिए, और भाई के बहुत गंदे शब्द होते हैं, मतलब हमसे बगावत की तो काट देंगे वगैरह वगैरह। और यहाँ पर देखो टीम देखो इनका, इससे ज़्यादा अच्छा टीम तो मैं कहीं और, मतलब लेवल 60 या 70 प्लेयर्स के इससे ज़्यादा अच्छा टीम लेके उतरते हैं आप। 87 या ठीक है 97 पर पहुँच चुके लेवल पे और तीन ही लेवल बचे आप मैक्स होने में, और अभी तक आपको पता नहीं चला कि आपको कौन सा सूट फॉलो करना है। डार्करा मेरे गेंगार से ज़्यादा तेज़ था, ऑब्वियसली गाइस मैं यहाँ पर लड़ने नहीं वाला था डार्करा यूजर से क्योंकि हम लोग बिना स्नोरलेक्स के उतरे थे, पर मेरे को ये बंदा दिखा जो खुद खास स्ट्रॉन्ग है नहीं और ये मेरे पर रॉयल बैटल में बहुत ज़्यादा हमला करता है विद डैम स्पैमिंग, तो मैंने सोचा भाई लगे हाथ यहाँ पर कर ही देते हैं आज, तो मेरे को मिला ये। और रेस्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया, मैं चाहता था टॉन्ट भी यूज़ कर सकता था पर मैं लंबा लेना चाहता था और गेंगार को थोड़ा मतलब बेचारा महसूस करवाना चाहता था, मतलब डार्करा को बेचारा महसूस करवाना चाहता था, और ये मर भी चुका। तो गाइस एक डार्करा यूज़र जिसका डार्करा मेरे गेंगार से ज़्यादा स्लो था, देखो डार्क मतलब मेरा गेंगार भी ऑफ सूट है पर डार्करा से ज़्यादा तेज़ निकला। ऑब्वियसली मैं एक एचपी यूज़र हूँ, मेरे अभी भी एक दो जीरिम्स ऐसे जो एचपी के हैं, और अगर मैं पूरा स्पीड में कन्वर्ट हो जाता तो अच्छा खासा स्पीड हमारे पास होगा। अभी सामने है पालकिया, तो मैं रॉक टूम लगाता हूँ। मैंने देखा हुआ उसके पास एक चारिजार्ड है, और ऐसा होगा नहीं कि बंदा चारिजार्ड लेके ना, ये नूब्स की टेक्निक होती है कि चारिजार्ड लेके आ जाओ और जल्दी से मोबाइल को कर दो ख़त्म। पर हम लोग यहाँ पर टरांटोर लेके आते हैं और बचाएंगे स्लेथरॉक्स। अब ये इसीलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि बार बार चारिजार्ड इस्तेमाल किया नहीं जाएगा, और जिस बंदे ने डार्करा पर टॉन्ट नहीं रखा है वो घंटा रखने वाला है डिफॉक चारिजार्ड पे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्लेथरॉक्स बिछा दिए और बंदे ने अपना जी मूव वेस्ट कर दिया मेरे चारिजार्ड, ठीक है मेरे टरांटोर पे। अब मैं स्वॉम्पर लेके आता हूँ, एक जी मूव काफ़ी होगा मारने के लिए, पर फिर भी हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मर्सलाब एक और बार गिरा, तो मैं एक बार और लेके आ जाता हूँ टरांटोर को। अब मैं इसीलिए लेके आ रहा हूँ कि मेरे को लगा कि चारिजार्ड खड़ा रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली जीमू वेस्ट हो चुका है तो वो मर के ही जाएगा वापस, पर उससे पहले ही वापस भेज दिया गया। कोई नहीं, सामने पाल किया तो मैं जल्दी से स्नोरलैक्स ठीक है सल गैलियो लेके आता हूँ,
असल गैलियो के पास अनवेरेबिलिटी होता है गैस, तो ये टोटली इम्यून है किसी भी स्ट्रॉन्ग अटैक टाइप मूव से, मतलब ऐसा इम्यून नहीं कि मरेगा ना, मरेगा पर सारे अटैक बूस्ट या फिर डिफेंस बूस्ट आपके लिए जीरो होंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है हमारे लिए। मैं यहाँ पर एक बार बल्कअप करता हूँ, सामने आ चुका है गेंगार, तो एक तो स्टिकी वेव से हम स्लो हैं और गेंगार उसका तेज़ होना चाहिए, ऑब्वियसली सारे गेंगार तेज़ ही होते हैं, हमारा भी तेज़ आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले रॉक टूम लगाता हूँ, एक और बार मैं रॉक टूम लगाऊंगा ताकि इसको हम लोग ख़त्म कर पाएँ। ये एक और बार रॉक टूम, अब मैं लगाता हूँ जीमो, मेरे को पता है ये बहुत स्लो है या फिर कमज़ोर है, तो ये जीमो अब इसका खेल ख़त्म। भाई सोच के देखो, मेरा ऑफसोट गेंगार आपके डाकरा से तेज़ था, तो सलगैली ऑब्वियसली मेरा सूट टाइप है, तो ऑब्वियसली आपके ऑफसोट गेंगार से तेज़ ही होगा। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।